मैं अपना पढ़ने का तरीका बताऊंगी, मैं कैसे पढ़ती हूँ। ये नहीं है कि मैं एक हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री को पढ़ते रह जाऊंगी, ऐसा नहीं है। मुझे जो क्वेश्चन याद रहेगा मैं उसी को पढ़ते जाऊंगी। देखो जैसे कैसे पढ़ू, 1909 में अब स्पेलिंग पे मत जाना, 1906 में नीति आयोग, ऐसे आप देखते रहना, 1942 में भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठीक है, करो या मरो। अब बोलोगे इजी है, महात्मा गांधी, लेकिन डीपली बीपीएससी में पूछेगा तो एक है मुसलमान साहब का नाम है, याद नहीं है अभी, और बताते हैं। देखो अभी याद नहीं आ रहा इस बोर्ड पे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्या हुआ था अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ नीति आयोग 2015 में हुआ, पहले योजना था, योजना आयोग। अब योजना कब था, 1950 में, 1950 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब पीएम बने ना देश का, उसी वक्त नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो अब देखो साइंस का क्वेश्चन, जैसे कि फेस पे जो फेस होता है और हड्डी होता है 14, कान में जो होता है 6, कान में 6 होता है, जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ में। मेरा पढ़ने का यही तरीका, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। जैसे कि अब आकाश में तारा क्यों तैरता है, निम्न घनत्व के कारण, निम्न दाब के कारण। अब बाल्टी में जो छड़ तैरता है, अपवर्तन के कारण। आकाश में जो तारा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरा जो चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो भाई ऐसे ही हम क्वेश्चन याद करते थे, ऐसा नहीं है कि ऐसे करते। मेरा पढ़ने का यही तरीका, कैसा लगा आप लोग बताना, बंद करोगे।